वेलकम बैक टू माई चैनल वे टू लाइफ इट सो ना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो अंकल बना रहे हैं चाय और मैंने चाय ऑलमोस्ट पी ली और बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू अंकल। एंड गाइज, आज हम ब्लॉगिंग कर रहे थे और बहुत टाइम बाद हमें कोई मिला है जो कि ब्लॉगर है हमारी तरफ, क्योंकि वो लोग भी ना कैमरा से ऐसे ऐसे शूट कर रहे थे, मुझे लगा नहीं आ रही है ब्लॉगर ही होंगे, तो उनसे मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये लोग भी, इनका भी चैनल है। एंड मैं भैया से पूछती हूँ चैनल का नाम क्या है, वो अच्छे से आपको बताएंगे। भैया क्या नाम है आपके चैनल का? नाम है परमदीप सिंह एंड मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल व्लॉग, तो आप देखना। तो गाइस, जो लोग मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, वो इनके चैनल पर जाइए और देखिए और एंजॉय करिए। और किसको पसंद नहीं यार, ये पहाड़ झरने मतलब बहुत सारी चीजें। भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं बताइए, काफी टाइम से सोच रही थी कि यार ये लोग भी मतलब यार नहीं यूट्यूबर है, यूट्यूबर में इनसे बात करूँ। फिर हमारे खड़ूस लड़के ने बोला नहीं बात करते ऐसे किसी से, पर मेरा मन नहीं माना और मैंने इनसे बात कर ली और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मैं समझ सकती हूँ यूट्यूबर की फीलिंग कि वो कितनी मेहनत करता है, तो प्लीज इन्हें भी सपोर्ट करिए, इनके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है प्लीज इनके चैनल पर भी जाइए और इनको भी हेल्प करिए। तो ये भैया भी, और काफी अच्छा लगा मुझे किसी यूट्यूबर से मिलके, मतलब एक फैमिली जैसा लगता है ना यार, ये अपनी कैटेगरी में आते हैं। सही कहा ना मैंने भैया? बिल्कुल राइट। तो चलिए गाइज, आपको मिलते हैं, आपसे नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, वहां जाकर मिलते हैं और फिर आपको अच्छी चीजें दिखाते हैं। सामने देखा भैया गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर ना देखे। तो थर्ड राइड आ गया हमारा, इधर हमें जाना है अंदर की साइड। लेक साइड व्यू पे आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से एंटर करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस पूछेंगे, क्या प्राइस है क्या नहीं है, सब चीज़ आपको बताऊंगा मैं आगे जाकर। सोना जी थोड़ा अपने बाल संवार ले। तो व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ अच्छी चीज़ लग रही है बहुत। उधर देख रहा था क्या पता, कुछ अच्छी जगह लग रही है, वहाँ पर भी जाएंगे, कुछ लगा मुझे कुछ है वहाँ पर, तो एक मन में एक्साइटमेंट है वहाँ जाने की, तो चलते हैं ना यार। जैसे सोना ने बोल दिया था कि वहाँ जाके सबसे पहले मैं बॉयल भुट्टा खाऊंगी, तो देखो भूखी सबसे पहले भुट्टा खाने लग गई है। और यहाँ पर भुट्टा खाते खाते दीदी से मेरे को पता चला है कि सामने उन्होंने बताया कि करणी माता टेम्पल है, जो कि बहुत अच्छा है। वहाँ से पूरी सिटी का जो व्यू है ना, मतलब वो बिल्कुल टॉप पर है और पूरी सिटी का व्यू बहुत औसम, बोले तो बहुत भारी लगता है यार। हम लोग जाएंगे उस व्यू को भी देखेंगे, बट सबसे पहले उसका पर पर्सन देखो बता दूँ आपको, लक्ष्मण झूला बोलते हैं उसको, पर पर्सन चार्ज 117-120 रुपये है, नॉमिनल है, कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले वोटिंग करने जाएंगे, बट उससे पहले मैं भुट्टा खा लूँ। एक्चुअली खाए जा रही है, पूछ भी नहीं दी कि थोड़ा सा भुट्टा चख लो कैसे खाते, खिलाओ थोड़ा सा। बहुत गर्म है, क्यों खाया? समुंदर। ये भुट्टा खाया जा रहा है यहाँ पर, पीछे तालाब किनारे माहौल बना के भुट्टा खाया जा रहा है, एकदम फीलिंग से। आ हा हा, बहुत अच्छा। हम लोगों ने डिसाइड करा है कि बोटिंग कैंसिल करते हैं, कोस हम लोग जोधपुर जाएंगे तो वहाँ पर बोटिंग करेंगे, बट आपको दिखाएंगे जरूर कि बोटिंग में कैसा क्या व्यू रहता है, कैसा क्या रहता है। देखो इस टाइप से बोटिंग होगी, ये पहले से इसके आसपास ले जाएंगे, उधर भी ले जाएंगे आपको, मतलब तीन चार जगह पूरा ले के ना इसके आसपास सब जगह ले जाएंगे, और अच्छा रहता है। मतलब कोई नॉमिनल कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 165 से 175 रुपीज़ पर पर्सन है, 20 से 25 मिनट घुमाती है। बट हमने सोचा कि सबसे पहले यार, जब उन दीदी ने बहुत एक्साइटमेंट दे दी थी कि वहाँ ऊपर जाकर देखो, और हमारे पास टाइम बहुत कम है, सीरियसली अभी 2:30 बज चुकी है, हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो हम लोग सबसे पहले करणी माता के मंदिर चलते हैं, वो ऊपर है और वहाँ से आपको व्यू बताते कि एक्चुअल व्यू क्यों होता है। तो सोना जी रेडी, तुम्हारा मेकअप वगैरह सब हो गया, देखो तुम्हारा ये लग रहा है ढंग से खाया नहीं है, भूखो जैसा खाओगे तो मुँह पे मतलब भुट्टे का कचरा रह जाएगा ना, केवल खाने में ही फोकस रहता है सिर्फ, और खाती भी ऐसा भर भर के। देखो देखो देखो, देखो। तो चलो फटाफट चलते हैं, बहुत मस्ती हो गई। तो गाइस भुट्टा खाने के बाद अब बारी आती है मैगी की, और भैया ने बहुत औसम वाली मैगी बनाई है, तो ये फटाफट से खा लेते हैं, फिर हम अपनी दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। तो करणी माता जी का कोई मंदिर है, वहां पर जाएंगे, मैगी आप देख सकते हो, देख कर मुझे पानी आ रहा है क्या, तो आ जाइए और
उठा लीजिए मेरे साथ में। तो चलिए फटाफट से इसे फिनिश करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। मैगी बहुत गर्म है यार। मैं खिलाता हूँ तुम्हें, सबर करो, रुको जरा, रुको जरा, सबर करो। अरे कहीं नहीं जाएगी, खाओ ना, घिचिए ना तो। अरे खाओ ना। मैगी बहुत गर्म है पर टेस्टी बहुत है, बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। ऊपर से नीम की पत्ती कैसे गिर रही है तो मुझे अब पता चला कि ये भाई साहब नीम की पत्ती गिरा रहे हैं, ऊपर बैठे हैं और ये गिरा रहे थे ऊपर से। क्या पी रही हूँ? चाय। वो भी उदयपुर की, और यहाँ की मतलब यहाँ पर भी चाय पीना बहुत अवस्था में, आवाज नहीं आ रही ना म्यूजिक की वजह से। बट आप यहाँ चाय जरूर ट्राई करना, जो नहीं पीते वो भी ट्राई करना। यहाँ की भी अच्छी थी, हमने यहाँ पे कही है। सो गाइस हम रोपवे के लिए ऊपर जाने के लिए टिकट काउंटर पे है, तो यहाँ पर नॉर्मल रोपवे का चार्जेस है 107 रुपीज़ पर पर्सन, उसमें केवल रोपवे में आना जाना होगा। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं 190 का आपको पड़ेगा 3D गैलरी में, आप बिल्कुल फोटोज वगैरह सब चीज़ ले सकते हो। और फैमिली आती है, फैमिली के लिए अलग पैकेज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब फैमिली कैबिन वगैरह सब चीज़ मिल जाती है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ रेट्स कैसा क्या रहता है इन लोगों का। तो वैसे पूरा रेट्स डिटेल्स है, आप सब जा सकते हो इस साइड से। और 3D गैलरी कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे 3D वॉलपेपर्स रहते हैं, उसमें आप फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो। ये हम लोग तो नॉर्मल टिकट में जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है हम लोगों को 3D कुछ। तो अभी सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ का शूट करेंगे, तो चलते हैं फटाफट, टिकट हो जाए। थोड़ा सा कुछ वेटिंग आ रहा, सर्वर इशू है कुछ, तो फटाफट टिकट मिल जाए, हम वेट कर रहे हैं। लो बजट वाला ट्रैवलिंग हाँ, सब से सब चलानी पड़ेगी ना, बहुत सारी जगह जाना है मेन चीज़ है। हाँ लेकिन हर चीज़ का इंजॉयमेंट मतलब हर चीज़ होनी चाहिए, कम से कम वो चीज़ ज़्यादा बेटर। ये उन लोगों के लिए ट्रिप है जो कम बजट में अच्छी चीज़ से आते हैं, उनके लिए हम एक ब्लॉग मतलब ज़्यादा स्पेशली वो लोग देखें ना, हमें बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम लोग जा रहे थे करणी माता के मंदिर की और रॉक की तरफ, तो रास्ते में मैंने देखा यार यूजन 3D फोटो गैलरी, इंडिया का 3D लाइटनिंग रियलिटी गैलरी है। अब हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाकर आपको बताएंगे कि अंदर का व्यू कैसा रहता है। तो यहाँ पर TV में देखा तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, भैया ने भी बताया बहुत सारी चीज़ें, गाइडेंस करी कि भैया मिलेंगे आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर आओ, अंदर जाओ, बहुत मजा आएगा, फोटोज ले सकते हो आप अपने, बहुत मतलब अलग अलग चीज़ें वीडियोज क्रिएट कर सकते हो। अभी जो पैकेज बताया था ना हम लोगों ने बाहर, वो सारे पैकेज में इंक्लूड रहता है। तो हम लोग भी अभी जाएंगे अंदर, देखेंगे एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे। और करणी माता का जो मंदिर है ना, जहाँ आप दर्शन करना चाहते हो, वहीं से टिकट ले देना, वहीं से ईस्ट का भी टिकट आप ले सकते हो। एंड चलिए गाइस आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, अमेजिंग है गाइस, बहुत अमेजिंग। हमें तो देखे ना बहुत अच्छा लगा, हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए किस बात की देरी, लेट्स गो। तो गाइस ये मनी फ्रेम, आप बहुत सारे पैसे लूट सकते हो। पकड़ो ऐसे बैठ जाओ उस पर।
अरे पीछे की तरफ करो, इधर इधर किसको ना, पीछे हो जाओ। तो गाइस व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सोना जी बिल्कुल लाइव बैठी है वहां पर। ये इस चीज की अच्छी है, तो बहुत अमेजिंग जगह है, तो आप आइए और विजिट करिए। तो चलिए अब हमें जहाँ जाना है वहाँ हम चलते हैं और वहाँ के लिए एंजॉय करते हैं, और यहाँ के जो ऑनर है ना, जो भैया है ना, उनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। चलो गाइस आप लोग देख सकते बताना जरूर कैसे खड़े रहोगे। अरे वाव, और सबसे अमेजिंग बात गाइस, ये ऐसा वाला सिस्टम है, ये एक ऐप आता है उसमें ऐसा आपको लगता है, जैसे आप सचिन खड़ा है तो देखिए सचिन कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल सचिन की बॉडी बन गई और ऐसा फील हो रहा है। तो आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, आप वीडियो को एंड तक देखना। और सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, ये देखिए सचिन की कारनामे देखिए। बहुत अच्छा लगा 3D गैलरी में, एंड सीरियसली आप लोग भी जा सकते हो वहाँ पर, मतलब आप मतलब अपन लोगों को वहाँ पर इल्यूजन करके एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें वो फोटोज क्लिक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसका, बहुत मजा आया, इतना मजा आया सीरियसली, बहुत मजा आया, मतलब ऐसे इल्यूजन बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो सीरियसली। ट्राई करने के लिए चले गए, अच्छा लगा, इतना दूर आए हो तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए जिस काम के लिए स्पेशली आए वो कर लेते हैं, उसके बाद लेट्स गो, फटाफट चलते हैं हम लोग।